हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर इलेक्ट्रिकल मशीन्स पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रिकल मशीन्स में मैं समझाने जा रही हूँ थ्री फेज इंडक्शन मोटर का एक रीजनिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रोटर घूमना क्यों शुरू होता है, और साथ में ये भी समझाऊंगी कि रोटर की स्पीड जो होती है NR, वो कभी भी NS सिंक्रोनस स्पीड के बराबर क्यों नहीं हो पाती। लास्ट कुछ वीडियोस में मैंने रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड समझाया, रोटर कैसे घूमना शुरू करता है वो समझाया, रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को हम चेंज कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें समझाई। पर आज के डिस्कशन का मेरा मेन टॉपिक जो होगा वो रोटर जो है वो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही क्यों घूमना शुरू करता है, और साथ में स्पीड ऑफ रोटर जो होती है वो कभी भी सिंक्रोनस स्पीड के बराबर क्यों नहीं हो पाती है। तो मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन में कि जब रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट होती है, मतलब स्टेटर फ्लक्स जो जनरेट होता है वो सिंक्रोनस स्पीड से स्टेटर से रोटर में क्रॉस करते हुए घूमता हुआ रहता है, एयर गैप में वो रोटेट होता है, जिसकी वजह से रोटर कंडक्टर्स जो होते हैं वो सब्जेक्टेड टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है, मतलब वो कंडक्टर्स पजेस करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, और उसकी वजह से उसमें फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग ईएमएफ इंड्यूस होता है, और रोटर बार्स जो रहते हैं, मतलब रोटर थ्री फेज सर्किट जो होता है वो शॉर्ट सर्किट होता है, तो उसमें करंट बहना शुरू हो जाता है। अब करंट बहना शुरू हुआ तो नेचुरली उस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है, और वो फ्लक्स जो होता है वो अपने ही कारण का अपोज करता है, मतलब रोटर फ्लक्स जो होगा वो अपने ही कारण का अपोज करेगा। इसे हम लेंजेस लॉ के द्वारा समझ चुके हैं, पहले भी मैंने डीसी मशीन्स में भी कई बार लिया, ट्रांसफार्मर में भी लिया। इस लेंजेस लॉ को मैंने तरह तरह अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से समझाया कि नया प्रोड्यूस होने वाला जो फ्लक्स होता है वो अपने कारण का अपोज करता है, और यहाँ पर थ्री फेज इंडक्शन मोटर में नए फ्लक्स के प्रोड्यूस होने का कारण सिर्फ और सिर्फ स्टेटर फ्लक्स का घूमना है, रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड है। आप फिगर में भी देख सकते हैं कि ये रोटर कंडक्टर ए है और फाइस फ्लक्स जो एन एस स्पीड से रोटेट हो रहा है तो सब्जेक्टेड टू रोटेशनल फ्लक्स फाइस है। अब यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होगी, मतलब अगर मैं लेंजेस लॉ की बात करूं कि रोटर फ्लक्स जो होगा वो अपने ही कारण का अपोज करेगा, मतलब क्या, वो ये कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ रोटर इस तरीके से अटेन करेगा रोटर, मतलब ऐसी डायरेक्शन में रोटर घूमना शुरू करेगा कि वो एनएस स्पीड को कम करने की कोशिश करेगा, मतलब फाइस फ्लक्स जो है उसकी स्पीड एनएस को कम करने की कोशिश करेगा। अब इसे भी मैं और समझा दूं कि एनएस को कम करने का मतलब क्या है। अब रोटर जो होगा वो इस तरीके से रोटेट होगा कि वो रिड्यूस करने की कोशिश करेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डीफाई बाई डी टी से। तो डीफाई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स एग्जिस्ट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू रोटर बार्स, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मतलब फ्लक्स के बदलने की जो स्पीड है एक कंडक्टर के रिस्पेक्ट में, फ्लक्स के बदलने की जो स्पीड है वो किस पर डिपेंड कर रही है या किसके स्पीड पर निर्भर कर रही है, रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड मतलब सिंक्रोनस स्पीड पर और रोटर की स्पीड पर, और रोटर की स्पीड अभी तो जीरो है, तो इसका मतलब कंडक्टर ए जो होगा उसके रिस्पेक्ट में डीफाई बाई डी टी का जो एग्जिस्टेंस होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का एग्जिस्टेंस होगा, वो एग्जिस्टेंस पूरी तरीके से किस पर निर्भर करेगा, दो स्पीड्स के डिफरेंस पर निर्भर करेगा, और एक स्पीड होगी रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की और एक स्पीड होगी रोटर की। और शुरू में रोटर की स्पीड तो जीरो है, मतलब टोटली डीफाई बाई डी टी जो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू ए कंडक्टर या एनी अदर कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू एन एस ओनली व्हेन रोटर इज नॉट रोटेटिंग एट दैट टाइम। अब क्या हुआ, रोटर जब रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देगा तो ये जो होगा रिलेटिव स्पीड दोनों के बीच में जो होगी वो एनएस माइनस एनआर हो जाएगी। पहले सिर्फ एनएस माइनस जीरो थी, मतलब एनएस थी, अब इसको रिड्यूस करना है। लेंजेस लॉ क्या कहता है कि नया प्रोड्यूस होने वाला फ्लक्स अपने ही कारण का अपोज करेगा, उसका प्रोड्यूस होने का कारण है रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड
और रोटर की स्पीड का डिफरेंस, ये कारण है। अगर ये डिफरेंस छोटा होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कम होता, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कम होता तो ईएमएफ कम इंड्यूस होता, ईएमएफ कम इंड्यूस होता तो करंट कम फ्लो होता रोटर बार्स में, और करंट कम फ्लो होता तो नया प्रोड्यूस होने वाला फ्लक्स भी कम हो जाता। तो इसका मतलब वो रिलेटिव स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो होगा वो दोनों की स्पीड में कमी लाने की कोशिश करेगा अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ। और ये कमी तभी आ सकती है जब रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रोटर घूमना शुरू हो, तो दोनों के बीच की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ns माइनस nr, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू ए कंडक्टर विल ऑलवेज बी प्रोपोर्शनल टू ns माइनस nr, बट एट द स्टार्टिंग मोमेंट रोटर की स्पीड जीरो होती तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स सबसे ज्यादा होता है, ns के प्रोपोर्शनल होता है। और फिर जैसे ही टॉर्क जनरेट होता है तो रोटर जो है वो ns की ही डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देता है, ताकि नया रिलेटिविटी जो एग्जिस्ट करे दोनों स्पीड्स की वो ns माइनस nr, मतलब ns से वो कम होके ns माइनस nr हो गई, मतलब अल्टीमेटली रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को उसने कम कर दिया। कब? जब रोटर ने रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में घूमना शुरू कर दिया तो। तो दस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू कंडक्टर बार ए हैज रिड्यूस्ड नाउ, ये होगा। अब मेरा ये क्वेश्चन का आंसर था कि रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रोटर क्यों घूम रहा है, तो वो ns माइनस nr इस रिलेटिविटी को कम करना चाहता है, क्योंकि ये रिलेटिविटी ही कारण है रोटर फ्लक्स के प्रोड्यूस होने की। ये रिलेटिविटी नहीं होती तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता ही नहीं, तो कंडक्टर ए में ना ईएमएफ इंड्यूस होता, ना करंट आता, ना नया फ्लक्स आता। तो ठीक, अब ये रिलेटिविटी को कम करना है इसलिए रोटर घूमना शुरू करता है रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ये पूरा रीजन हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का कि क्यों ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्या एनआर कभी भी एनएस को कैच कर पाएगा, तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। अगर एनआर ns के इक्वल हो जाता है तो ये रिलेटिविटी टोटली जीरो हो जाएगी। ns अगर nr के बराबर हो जाता है तो ये रिलेटिविटी जीरो हो जाएगी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो होगा वो जीरो हो जाएगा। और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जीरो हुआ तो a बार के मतलब रोटर बार्स में कोई emf इंड्यूस नहीं होगा, कोई करंट नहीं बहेगा, कोई फ्लक्स नहीं होगा, नया फ्लक्स नहीं होगा, तो फायस किससे इंटरेक्ट करेगा और टॉर्क कैसे जनरेट होगा? तो टॉर्क नहीं जनरेट होगा और रोटर रोटेट ही नहीं होगा। तो अगर ये कहूँ मैं कि रोटर की स्पीड इतनी है कि वो रोटर की स्पीड ऐसी है कि वो ns के बराबर हो जा रही है, तो ns के बराबर हुई तो टॉर्क जनरेट ही नहीं होगा और रोटर जो होगा वो रुक जाएगा। अब रोटर रुक जाएगा तो फिर से रिलेटिविटी कितनी हो जाएगी, d phi by dt कितना हो जाएगा, ns के बराबर हो जाएगा, क्योंकि nr तो जीरो हो चुका है ns के बराबर। तो फिर d phi by dt अपने हाइएस्ट रिलेटिविटी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मतलब ns के, तो फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा a के रिस्पेक्ट में, फिर ईएमएफ इंड्यूस होगा, फिर अर्ज लॉ के अकॉर्डिंग फिर करंट बहेगा, फिर नया फ्लक्स आएगा, वो फ्लक्स फिर टॉर्क जनरेट करवा देगा, फिर रोटर घूमना शुरू हो जाएगा। तो क्या ऐसा होगा कि ns पहले अकेला है, nr जीरो है, फिर थोड़ी देर बाद रोटर nr भी एग्जिस्टेंस में आ गया, तो ns माइनस nr ये सब्ट्रैक्शन, ये रिलेटिविटी कम हो गई, फिर धीरे धीरे रोटर ने मतलब nr की वैल्यू ns के बराबर हो गई, फिर टॉर्क जीरो हो गया, फिर टॉर्क जीरो हो गया तो रोटर रुक गया, रोटर रुक गया तो फिर d phi by dt ns के बराबर हो गया। नहीं बेटा, ऐसा बार बार नहीं होता है रोटर के अपने इनर्शिया की वजह से। रोटर कभी भी मतलब हाई स्पीड पे घूम रहा है, फिर जीरो हो जा रहा है, फिर हाई स्पीड पे, फिर जीरो, ऐसा नहीं होगा। इनर्शिया की वजह से nr कम बना रहेगा, ns से टॉर्क डेवलप्ड रह के इंडक्शन मोटर घूमती रहेगी। तो इस तरीके से मैंने आपको दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए। तो उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए। थैंक यू।